हेलो नमस्कार, द होप दैट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं स्कॉर्पियंस की, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए लव लाइफ सितंबर 2021 में। रिलेशनशिप्स के अंदर कमिटेड रिलेशनशिप में है तो, सिंगल है तो, क्या लव एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं, ये सब हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आप देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं जिससे कि मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जीज देखती हूँ वृश्चिक राशि की, आप लोगों की अभी सितंबर के महीने में, क्योंकि 10 तारीख हो गई है, तो क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सब कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए फॉर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए कि उनके रिलेशनशिप की एनर्जी, उनकी लव लाइफ की एनर्जी एट प्रेजेंट क्या है। थैंक यू सो मच। सफरिंग इन साइलेंट, डार्केस्ट फियर, नंबर 9। ऑल राइट, रेस्ट एंड रेजुविनेट, जस्ट ब्रेथ। सो डेफिनेटली आप में से काफी लोग जो हैं वो सेपरेशन में हैं। डेस्टिनी फ्लो, नंबर 10। कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, और ये डेस्टाइन था। इसमें आपकी या किस आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, विन एंड लूज। ओके, इंट्यूशन, लिसन। ओके, वन मोर कार्ड फॉर वृश्चिक राशि, थैंक यू। वी हैव रिफ्यूजिंग टू सी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ऑल राइट, यहाँ नंबर 2 2 बहुत है, ब्रैकेट में है, इमोशनल लॉस, चेंज योर फोकस। तो मुझे जो यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, मे बी कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, वृश्चिक राशि जो बहुत प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। शादी हो गई है उनकी, या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है आपके साथ रिलेशनशिप से, एंड बेसिकली ये डेस्टिनी थी, ये होना था, ये फ्लो है। लेकिन मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोग इस फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरी तरफ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी की लाइफ में, अपनी लव लाइफ को लेकर के, एंड डिसीशन मेकिंग नहीं हो पा रही, साथ हैं भी और नहीं भी वाला कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो सेपरेशन में नहीं हैं, लेकिन एक रेस्टिंग मोड पे हैं, जहाँ एक पार्टनर, या तो आप नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं, या आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यूनिवर्स आपको बार बार साइन दे रहे हैं या दे रहे होंगे शायद, ठीक है, लेकिन आप उसको लिसन नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, वॉट एवर। लेकिन यह इंट्यूजन का कार्ड है, नंबर 2। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं और इंट्यूजन भी है, और दोनों पास पास आए हैं। 2 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। एंड 2 2 2 2 आपको काफ़ी एंजल नंबर दिख रहा हो सकता है इन दिनों, या जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो आप देखेंगे कि आपको दिखेगा। एंड डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं, किसी डर में हैं, किसी कंफ्यूजन में हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं वृश्चिक राशि। एंड आपने डेस्टिनी पे छोड़ दिया है सब कुछ, एंड ये शायद आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है, बिकॉज ये नंबर 10 की एनर्जी आ रही है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि अगर कुछ एंडिंग्स हो भी गई हैं तो न्यू बिगनिंग्स के लिए हुई हैं, तो अपना फोकस चेंज कीजिए, ठीक है। अपने इमोशनल लॉस पे आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो आपके पास है उस पे शायद आपका ध्यान नहीं है, और वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूजन्स को सुनिए, आपके इंट्यूजन्स की आप सुनेंगे तो ये जिस कॉन्फ्लिक्ट में आप हैं, जो आपको लग रहा है कि आप हार गए हैं, वो एक्चुअली में आपकी विनिंग है, वो आपका लॉस नहीं है, लेकिन आप उसको लॉस के तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए आ रहा है प्रेजेंट एनर्जी में। नाउ देखते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या होगा। ऑल राइट, तो ये जो पास्ट और फ्यूचर है, डेफिनेटली वृश्चिक राशि, अगर आप किसी, जैसे कि आपकी रीडिंग में आ रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए हैं किसी पर्सन के साथ, या आगे बढ़ गए हैं, शादी हो गई है उनकी, तो यहाँ पे ये पास्ट जो है वो आपकी और उनके रिलेशनशिप के साथ आ सकता है। फ्यूचर आपके साथ आने वाले टाइम में कोई नया पार्टनर मिल जाए तो उनके साथ भी आपका फ्यूचर हो सकता है। ऑल राइट, लेट्स चेक योर पास्ट एंड फ्यूचर विथ दिस एनर्जी ओरेकल डेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए प्लीज गाइड कीजिए
उनके रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जी क्या थी, प्लीज गाइड कीजिए, पास्ट एनर्जी क्या थी, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कम एंड गाइड मी, थैंक यू। डिसीटेड, यस। सो नंबर 25 आपके आपके पार्टनर के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ पे किसी को कोई धोखा दिया गया है, कोई पर्सन ने किसी को चीट किया है, कोई पर्सन आगे बढ़ गया है, उसने अपने इमोशंस को नहीं बताया, या उसने आपको एक कॉन्फ्लिक्ट में रखा, ना तो वो हाँ कह रहा है ना ना कह रहा है आपको, ऐसे किसी पर्सन को आपने डील किया है पास्ट में, ठीक है। आपको लग रहा था कि पर्सन आपको चूज़ करेंगे लेकिन उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे डिसीटफुल हैं ये पर्सन जो भी हैं। आई एम सॉरी टू से बट वृश्चिक राशि, मुझे यहाँ पे जो एक चीज़ और दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप में से काफ़ी लोगों ने शायद मूव ऑन कर लिया है, लेकिन अब वो परेशान हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते, उन्हें अपने पास्ट की याद आ रही है, लेकिन उन्होंने अपने डेस्टिनी को चूज़ किया या उन्होंने प्रैक्टिकलिटी को चूज़ किया, इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब और किसी को धोखा दे के आप आगे बढ़ गए किसी और के साथ, और अब आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ पे ये वाइब्स भी मुझे आए तो मैंने आपको बता दिए, जिसके साथ रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नाउ देखते हैं फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का, फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का क्या है, लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए फ्यूचर क्या होगा वृश्चिक राशि के रिश्ते में। यिन एंड यांग, वाओ, अगेन देखिए आप कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, नंबर 22 का एनर्जी आया है यहाँ पे भी 2 और 2 था। तो बेसिकली डेफिनेटली अगर आप अपने इंट्यूजन की, अब जब से ये रीडिंग देखें तब भी अगर आप अपने इंट्यूजन, आपका दिल क्या कह रहा है उसको सुनने लग जाएं वृश्चिक राशि, तो आपके सारे कन्फ्यूज़न जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को जो कि यूनिवर्स चाहता है कि आप देखें, और वो आप तब देखेंगे जब आप उन साइंस को ऑब्जर्व करने लग जाएंगे। बॉटम एनर्जी थिंकिंग मैन की आ रही है यहाँ पे, सो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई नए पार्टनर जो हैं वो सितंबर एंड तक आ सकते हैं, या डेफिनेटली आपके पुराने पार्टनर ही जिन्होंने आपको धोखा दिया है या जिन्हें आपने धोखा दिया है वो वापस आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी है, ठीक है, मिलाव की एनर्जी है, कंबाइंड होने की एनर्जी है। थिंकिंग मैन मुझे बता रहा है कि वो पर्सन भी आपके बारे में काफ़ी सोचेंगे, और थिंकिंग मैन मुझे ये भी कह रहा है कि आप शायद इस सिचुएशन के बारे में दोबारा से सोचें, या उन डिसीशंस के बारे में दोबारा से सोचा जाएगा इस रिलेशनशिप में जो कि ले लिए गए हैं, और जब सोचा जाएगा तो शायद आप लोगों का रीयूनियन हो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की शादी हो गई है, जो आगे बढ़ गए हैं, वहाँ मुझे एक नए पार्टनर के साथ आपके बॉन्डिंग की यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। नाउ टैरो से देखते हैं आपके रिलेशनशिप में सितंबर 2021 के अंदर क्या सब हो सकता है, लेट्स चेक वृश्चिक राशि सितंबर 2021 लव लाइफ, क्या सारे इवेंट्स लव लाइफ में वृश्चिक राशि वालों के लिए हो सकते हैं, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, बॉटम एनर्जी आ रही है यहाँ पे 6 of Swords की, देखते हैं कार्ड्स क्या हैं आपके लिए वृश्चिक राशि। सो फर्स्ट कार्ड आ रहा है पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 8 of Swords, 3 of Wands, 7 of Cups एंड किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट,
सो विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, यस, ये कंफर्म करते हैं मेरे अभी तक की इंट्यूजन्स को कि कोई ना कोई रिलेशनशिप में मूव ऑन कर गया है. ये आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है. और मूव ऑन करने के बाद दे रियलाइज कि उन्होंने जो एक्शन लिया है या उन्होंने जो डिसीशन लिया है वो गलत हो सकता है उनके लिए. मतलब वापस से पुराने पार्टनर की याद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है. विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ कोई पर्सन वेट भी कर रहा है, या तो आप अपने पर्सन के वापस आने का वेट कर रहे हैं या वो आपके वापस आने का वेट कर रहे हैं. या मुझे आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो प्लान कर रहे हैं अपने पर्सन के पास दोबारा वापस जाने की. यहाँ पे एक एक्स की एनर्जी मुझे आ रही है. विद दिस सेवन ऑफ कप, सेप्टेम्बर के महीने में आप अपने एक्स को भी चूज करना चाहेंगे. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के पास काफ़ी चॉइसेस होंगी लव लाइफ में, ठीक है. हो सकता है आप एक नए पर्सन को भी डील करें, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है और हर्मिट की एनर्जी भी आ रही है. सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन जिसे आप डील कर रहे हैं लव लाइफ में, वो आपसे उम्र में छोटा है. एक पर्सन जिसे आप डील कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, वो आपसे उम्र में बड़ा है. अगर कोई दो पर्सन, दो चॉइसेस नहीं है आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप पेज ऑफ कप से अब हर्मिट की एनर्जी में आ गए हैं. जहाँ पहले एक इमेच्योर पर्सन थे रिलेशनशिप में, वहाँ अब आपने काफ़ी विजडम हासिल कर ली है वृश्चिक राशि. एंड अब आप उस तरीके से लाइफ को जीना चाहते हैं, उस तरीके से अपने पर्सन को देख पा रहे हैं शायद, जो कि आपने पहले मिस किया था इमेच्योरिटी के वजह से. किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे आप में से काफ़ी लोग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपने पर्सन की तरफ. तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने कहा, या मुझे बार बार ये मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से नहीं मिल करके आपकी तरफ से चैनलाइज हो रहे हैं. तो किसी ना किसी के लिए तो डेफिनेटली मैसेज मिल रहे हैं कि आप खुद जाएंगे अपने पर्सन के पास, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशंस होंगे कि आपने गलत डिसीजन लिए. हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया था, ठीक है, रिलेशनशिप से. आप में से काफ़ी लोगों का जो लव अफेयर है वो डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स, यहाँ बहुत लविंग एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है. तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं डेफिनेटली, चाहे कुछ भी सिनेरियो सिचुएशन चल रही हो, ठीक है अभी. लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत लविंग एनर्जी दिख रही है विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स. तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है डेफिनेटली कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो आपको एक प्यार का ऑफर दें. यहाँ मुझे कोई न्यू एनर्जीज नहीं दिख रही हैं. यहाँ मुझे वही पर्सन दिख रहा है जिसके साथ कभी लाइफ हैंड हो गई थी, कभी सिचुएशंस ब्लॉक हो गई थी, वो चला गया था, आप चले गए थे, रिलेशनशिप ने वर्कआउट करना बंद कर दिया था. लेकिन वो रिलेशनशिप जो है वो सितंबर के महीने में डेफिनेटली एक विजडम या तो आपको मिलेगा या उनको मिलेगा, लेकिन इसमें कोई एक्शन लिया जाएगा. और आप दोनों विद दिस यिन एंड यांग इन फ्यूचर एक होंगे वृश्चिक राशि. ऑल राइट. एंड नंबर्स मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ. नंबर 9, नंबर 25 या 7, नंबर 22, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 5, ठीक है. और 555, 2222, 1010, ये आपको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है. 8 नंबर, 7 नंबर भी मुझे यहाँ दिख रहा है, और 3 नंबर भी मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए. नाउ देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की रोमांस एंजल से क्या एनर्जीज आ रही हैं. प्लीज़ गाइड कीजिए सितंबर के महीने में इस रिश्ते की. जो भी ये व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर वृश्चिक राशि सितंबर 2021. थैंक यू. क्या एनर्जीज रह सकती हैं सितंबर में वृश्चिक राशि की लव लाइफ की. ओके, केमिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन. तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग अपने पर्सन से जो है काफ़ी मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करने वाले हैं वृश्चिक राशि. और देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस. थैंक यू. वी हैव मेक द एफर्ट. तो यस, जैसा कि मुझे पहले भी लग रहा था कि आप लोग ही होंगे जो कि एक एफर्ट लेंगे, जो कि एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप में. काफ़ी लोगों के से मुझे वाइब्स भी आ रहे हैं, और डेफिनेटली मैच करेगा. कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर. तो मेरे ख्याल से जिन चीज़ों पर अभी तक आप अपने पर्सन को नहीं समझ पा रहे थे, आपको लग रहा था कि वो वैसा ही करें, वैसे ही बोलें, वो वैसे ही एक्शन लें जैसा आप चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद ये पर्सन जो है वो और आप जो है वो इस पर्सन को समझ पाएंगे, ठीक है. और एक सही डायरेक्शन जो है वो लिया जाएगा यहाँ पे. लास्ट कार्ड
फ्रॉम रोमांस एंजल वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट एंड इट कम्स टू यू. तो डेफिनेटली आप कन्फ्यूज थे, कन्फ्यूज हो सकते हैं, अपने इंट्यूजन के सुनिए और जब आप अपना कन्फ्यूजन दूर करेंगे तो आप एक एक्शन लेंगे इस लव लाइफ की तरफ और ये बहुत जल्दी होने वाला है, डेफिनेटली बहुत जल्दी होने वाला है. नाउ देखते हैं आपके पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड के से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं वृश्चिक राशि. ठीक है, तो यहाँ मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं, तो देखेंगे हम कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि उन्होंने आपसे नहीं कहा है या जब वो आपसे मिलेंगे तब शायद ये बात आपसे कह सके. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज. वृश्चिक राशि के जो भी व्यूवर्स ये देख रहे हैं, उनके दिमाग, उनके पार्टनर के दिमाग में उनके लिए क्या थॉट है. सो वी हैव सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ भी आई है. ऑल दिस चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कन्फ्यूजिंग मी. तो हो सकता है आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं अभी, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके पास काफ़ी चॉइसेस हैं. ठीक है, एंड क्वीन ऑफ कप्स, आई हैड ट्रू लव एंड कंपैशन टू यू, आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू. तो वो पर्सन जो हैं वो आपसे डिसकनेक्ट होके भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यहाँ किंग ऑफ कप्स है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ बहुत लविंग एनर्जी है जिससे आप लोग जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं. तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है अपने पर्सन से. ऑल राइट वृश्चिक राशि, तो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं. अब हम इस रीडिंग का नेक्स्ट सेगमेंट करते हैं जहाँ हम विजडम ओरेकल कार्ड से आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस भी देखेंगे और आपके रिलेशनशिप की पूरी हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी. तो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई होप ये रीडिंग उनसे रेजोनेट हो. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृश्चिक राशि. प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृश्चिक राशि. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ऑल राइट, तो देखते हैं आपके रिश्ते का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या होगा और फ्यूचर क्या होगा. ठीक है, प्रेजेंट की एनर्जीज जो हैं वो हो सकता है एक आध दिन पहले और बाद की आएँ और फ्यूचर देखेंगे हम 30 सितंबर 2021 तक का फ्यूचर क्या है. इसके अलावा सेम कार्ड से मैं कुछ गाइडेंस भी आपके लिए दिखूँगी कि गाइडेंस में आपके लिए क्या आता है. तो यहाँ आप अपने लव रिलेशनशिप के बारे में सोचें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं ताकि आपकी एनर्जीज जो हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो सके. प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड कीजिए वृश्चिक राशि के पर्सन की लव लाइफ में पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा. प्लीज़ पास्ट एनर्जीज. ऑल राइट, प्रेजेंट एनर्जीज, ओके. फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर वृश्चिक राशि सितंबर 30, 2021 फ्यूचर. ऑल राइट, सो यहाँ हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं. लेट्स सी वृश्चिक राशि आपके लिए यूनिवर्स जो हैं उन्होंने क्या सब रखा है. बात करेंगे आपके पास्ट की. सबसे पहले पास्ट के लिए आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो है नो प्लेस लाइक होम. नंबर 55 नंबर अगेन आपके लिए प्रोमिनेंट आया है. यहाँ पे भी 55 आ रहा था, यहाँ पे भी 50 आया है. सो डेफिनेटली पास्ट में आपका मन कई बार इस रिश्ते से भटका होगा, आपने कई चीज़ें देखी होंगी इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये जो रिलेशनशिप था उसे आप छोड़ नहीं पाए, उससे आप दूर नहीं जा पाए क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो आपको घर जैसी फीलिंग देता था, कंफर्टेबल थे आप इस रिलेशनशिप में. ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी इस रिलेशनशिप में, काफ़ी प्यार था इस रिश्ते के अंदर एंड डेफिनेटली इमोशनल सेफ्टी कंफर्ट था इस रिश्ते में. ठीक है, ये पर्सन आपको फैमिलियर लगते थे. अब यहाँ नो प्लेस लाइक होम है तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी फैमिली से ही कहीं अटैच्ड हो या फैमिली के थ्रू आपसे ये मिले हैं. ठीक है, और आपने बहुत अच्छा समय बिताया है, मतलब आप दुनिया में आपके साथ कोई कैसा भी बिहेव करे ये पर्सन हमेशा आपको संभालता था, समझता था. ठीक है, और इस
कहीं पे भी भटक करके आपको यहीं पे आना था, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप में से काफ़ी लोग कई बार एक सेपरेशन से गुजरे हों, कई बार दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हुए हों, लेकिन एट द एंड आप यहीं आए। प्रेजेंट क्या चल रहा है इस रिश्ते के अंदर? ऑर्फन, यस, लोनलीनेस, अकेलापन, ठीक है, डेफिनेटली। अगेन नंबर फाइव, नंबर फाइव वृश्चिक राशि आपके लिए बहुत 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 प्रोमिनेंट दिख रहा है। यहाँ पे बार बार फाइव नंबर आ रहा है, तो आपको डबल फाइव काफ़ी दिखता होगा। एंजल नंबर है, आप उसका मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो डेफिनेटली कोई सेंस निकलेगा आप जब उसको देखेंगे, उसे समझेंगे। तो यहाँ पे सेंस ऑफ लॉस है प्रेजेंट में, डेफिनेटली है, आप अकेलापन फील कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपने जो शिफ्ट लिया है अपनी लाइफ में, तो आपको ऐसा लग रहा है आप डिसअपॉइंटेड हैं, या आपके पर्सन ने कोई शिफ्ट ले लिया है, तो अभी आप डिसअपॉइंटेड हैं और आपको लगता है कि आप कुछ डिजर्व करते हैं अच्छा, लेकिन स्टिल आप उस लोनलीनेस में हैं, ठीक है। और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी रुक गई है शायद, क्योंकि आपने आपने मूवमेंट करना बंद कर दिया, आपने कोई एक्शन लेना बंद कर दिया इस रिश्ते में। और जितनी अंडरस्टैंडिंग मुझे पहले द प्लेस ऑफ लाइक होम में दिख रही थी, उतनी अभी ऐसा लग रहा है कि किसी बात पे शायद आप डिसएग्री कर रहे हैं, आपके वैल्यू और बिलीफ के ऊपर बात आ गई है, ठीक है। यहाँ एक मैसेज गाइडेंस भी मुझे आपके लिए मिल रहा है विद दिस ऑर्फन कार्ड, कि आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप डिज़र्विंग हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कुछ भी आपको नहीं मिलेगा लाइफ में। लेकिन प्रेजेंट एनर्जी डेफिनेटली इमोशनल लॉस की ही है। अभी थिंकर फ्यूचर में है, थिंकर, तो वहाँ पे भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो एनर्जी ओरेकल डेक में भी बॉटम एनर्जी जो है वो द थिंकिंग मैन की आई थी। तो यहाँ पे मुझे नंबर 44 और नंबर 8 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है वृश्चिक राशि की आप काफ़ी ओवर थिंक करने वाले हैं, और थिंकर की एनर्जी ये भी है कि बैठ के सारी चीज़ों के बारे में एक बार फिर से थिंक करना, सोचना, ऑब्जर्व करना, कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, इसके अलावा क्या चॉइसेस थी, इसके अलावा कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता था। ये आपके लिए गाइडेंस है बेसिकली, कि आपको उनके ऊपर एक बार दोबारा से जाना चाहिए और फिर अपने इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपका दिल और दिमाग जानता है कि इस रिश्ते में आगे आपको क्या करना है, आप समझदार हैं, आप में वो विजडम है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है सितंबर 2021 में 30 सितंबर तक आप किसी एक नए पर्सन से बाय द वे टकरा जाएं, ठीक है, और आप उससे कुछ कनेक्शन फील करें, एंड देन फिर आप बहुत सोचें कि पास्ट में तो ऐसा हो गया था, इस पर्सन से मैं इतनी अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो इस तरह की भी कुछ वाइब्स मुझे यहाँ फ्यूचर के लिए आपके लिए दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंट्री ले रहा है, उसकी जर्नी और आपकी जर्नी एक साथ जुड़ रही है, तो आपको उस पर अटेंशन देना चाहिए, ठीक है। और एक अजीब सा अट्रैक्शन, एक अजीब सा खिंचाव आप यहाँ पे महसूस करेंगे उस पर्सन के साथ, और उस इंट्यूजन को आपको सुनना होगा, अपने हार्ट को आपको सुनना होगा, और मैजिक जो है वो तभी क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। ये उन लोगों से रेजोनेट होगा जो कि ऐसे रिलेशनशिप से निकले हैं जहाँ डिसीटफुल एनर्जी थी, जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। ऑलराइट, तो कोई नया पर्सन डेफिनेटली आपसे जुड़ सकता है सितंबर अंत तक, आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर ये कोई लविंग पर्सन नहीं है ना, तो भी आप इसके बारे में सोचेंगे, और ये पर्सन जो है वो आपको गाइड करेगा आपके रिलेशनशिप के लिए आगे जाके, वृश्चिक राशि। सो दिस इज़ योर रीडिंग, जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, आई होप आप इनसे कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय।